Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। हम नौ दुर्गे आ रहे हैं तो उसके लिए हमें नमकीन बनाना है। उसके लिए हमें साबुदाना लिया हुआ है, बड़ा वाला साबुदाना लीजिए। उसको हम डीप फ्राई करेंगे, तेल देख लेंगे गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए एक पीस डाल के देखें कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ही गर्म हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, एकदम फ्लोट करेगा। हमारा बिल्कुल तेल गर्म है तो पूरा एक साथ में डालें। एक कटोरी लिया हुआ है, इसमें धीरे धीरे करके डालिएगा, एकदम ऊपर ही आ जाएंगे सारे। ये देखिए होने लग गए, ये हमारे और हो गए हैं। अब इनको हम निकालेंगे और इनको जो बचा हुआ बैच है उसको हम डालेंगे। इनको भी हम पूरी तरह से फ्राई करेंगे। ये भी बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको भी निकालेंगे। गैस स्लो ही रखिएगा, ना ज्यादा तेज करिएगा, नहीं तो इनका कलर चेंज हो गया, ब्राउनिश होने लग जाएंगे ये। गैस हमारी काफी, तेल हमारा काफी गर्म है। इसी तेल में हम अपनी मूंगफलियां डालेंगे, उन्हें भी हमें डीप फ्राई करना है। वो भी हमने एक कटोरी ली है। गैस मीडियम कर लेंगे, इनको भी डीप फ्राई करेंगे। और ये भी दो चार मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने में। ये भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। गैस बिल्कुल सिम रखिएगा, ये सब जल जाएंगे आपकी। ये बिल्कुल रेडी है हमारी, इन्हें भी प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसमें हम काजू डालेंगे, काजू बहुत जल्दी जल जाता है तो उसे बस एक मिनट ज्यादा से ज्यादा डीप फ्राई करेंगे। देखिए कलर चेंज होने लग गया है, उसे तुरंत निकाल लीजिएगा। ज्यादा देर करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, ब्राउन से हाई ब्राउन से ब्लैक हो जाएंगे बिल्कुल। ये बिल्कुल अब हमारे रेडी हैं, इन्हें भी सेम उसी प्लेट में निकालेंगे साइड में, जैसे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। गैस बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसमें हम बादाम फ्राई करेंगे, ये भी ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लेंगे, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा इन्हें फ्राई होने में, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है हमारा। बिल्कुल रेडी है हमारे, ये भी बादाम भी निकालेंगे और इनको प्लेट में डाल के एक मिनट का थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इन्हें भी आप प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। अभी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसको हम बाउल में डालेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे और इसी पॉइंट पे इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है तो उसको हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। सेंधा नमक मिक्स करें, साथ में इसमें काली मिर्च और मिक्स करेंगे, वो भी अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा जैसा आपको अच्छा लगे। उसको दोनों चीजों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स करिएगा। ये हमारा नमकीन बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।